हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं आपकी फ्रेंड ईशा। तो आज मैं लेके आई हूं मटर की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी, मटर की सूखी सब्जी और ग्रेवी वाली सब्जी। तो आपने बहुत खाई होगी। आज मैंने इसे नए तरीके से बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी मटर ले लिए है। हमने फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं जिसे हमने धो लिया है। तो अब हम इसे मिक्सी के पॉट में ऐड कर लेते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे जिसके मैंने दो पीस कर लिए हैं। दो ग्रीन चिली ऐड करेंगे और चार लहसुन ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा हमारी सब्जी में। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मटर को पीस के हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो पानी इसमें आप ज़्यादा ना डालें, इसका दरदरा ही पेस्ट हमने बनाया है। तो अब इसमें से 2 टेबलस्पून हम पेस्ट को निकाल लेंगे मसाले के लिए। और इसमें एक प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। वड़ी को स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीली ले ली है। इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है जिसे हमने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें एक छन्नी रखूंगी जिसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसमें अब हम वड़ियाँ रखते जाएंगे इस तरीके से। अब इन वड़ियों को हम गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसे हम स्टीम होने देंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं हमारी वड़ियों को स्टीम होते हुए। तो हमारी वड़ियाँ अच्छे से पक चुकी हैं और अच्छी फूल भी चुकी है और आसानी से निकल भी रही हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। पैन में हम 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को भी गर्म होने देंगे। तेल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 लौंग और 1 छोटी इलायची ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आएंगी हमारी सब्जी में। और इसे हम क्रैकल कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज ऐड करूंगी जिसे मैंने चॉप कर लिया है और गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे मैं भून लूंगी। इसे हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। ये प्याज भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और इसे भी भून लूंगी ताकि इसका कच्चा टेस्ट ना आए हमारी सब्जी में। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को पीस लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, तो एज पर टेस्ट आप ऐड करें। 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि मसाले में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है और साइडों में तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें मटर का पेस्ट ऐड करेंगे जिसे हमने पहले अलग कर लिया था, और इसे भी मसाले के साथ पका लेंगे 2 मिनट के लिए। ये मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। तो ग्रेवी की थिकनेस आप जैसा पसंद करते होंगे, पतली गाढ़ी, उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कर लें और इसे मिक्स कर लूंगी।
अब मैं इसमें एक बॉईल आने के बाद ही इसमें वड़िया ऐड करूंगी। ये ग्रेवी में हमारे बॉइल्स आ चुके हैं, तो अब मैं इसमें वड़िया ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। इसे अब हम कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके इसे हम 3 से 4 मिनट तक ढक के पका लेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो हमारी वड़ियों में आ जाएगा, तो ये और भी टेस्टी हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट हो चुका है हमारी सब्जी को पकते हुए, तो अब हम कवर हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये वड़िया हमारी मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये हमारी टेस्टी मटर की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स ये। अब लास्ट में अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी हरे मटर की टेस्टी चटपटी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप रोटी पराठा पूरी के साथ इंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।